जय हिंद दोस्तों। शुक्रवार को बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर स्थित एसएसबी के 45वीं बटालियन के कैंप में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही के कारण एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। कैंप पर एक हाई वोल्टेज बिजली का तार टूटकर गिरने से सशस्त्र सेना बल के 3 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और 12 जवान गंभीर रूप से झुलस गए। सभी जवान सशस्त्र सेना बल के ट्रेनी जवान हैं। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुए सभी जवान सशस्त्र सीमा बल में नियुक्ति के बाद सुपौल जिले के वीरपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। सभी घायलों का इलाज के लिए वीरपुर के ललित नारायण अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 4 जवानों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जबकि बाकी जवानों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में ही चल रहा है। एसएसबी के द्वारा दी गई जानकारी में उन्होंने बताया कि उन्होंने बिजली विभाग को ट्रेनिंग मैदान से हाई वोल्टेज तार और बिजली के पोल को हटाने के लिए बार बार सूचना दी थी, लेकिन बिजली विभाग ने उनकी एक ना सुनी, जिस कारण से ये बड़ा हादसा हो गया। शहीद जवानों में महाराष्ट्र निवासी 30 वर्षीय अतुल पाटिल, 24 वर्षीय परशुराम सबर और 28 वर्षीय महेंद्र चंद कुमार बोपचे हैं। ये तीनों जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे।